पति ने पत्नी से जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की तो गुस्से में पत्नी ने पति का प्राइवेट पार्टी काट दिया। हैरान कर देने वाला ये मामला टीकमगढ़ जिले के जतारा थाना क्षेत्र से सामने आया है। घटना रामनगर गांव की है। ये मामला करीब 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रामनगर निवासी विनोद राजपूत ने पत्नी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिस पर दोनों में विवाद हुआ, लेकिन कुछ समय बाद सुलह भी हो गई थी। जब दोनों घर पर ही थे तभी रात के समय पत्नी ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को धारदार चीज से काट दिया। घायल पति को इसके परिजन इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लेकर गए। जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो परिजनों ने जतारा थाने में पत्नी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। इसको लेकर डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा ने जानकारी दी। घट गई के शख्स का जिसमें लिंग काट दिया गया है। किसने काटा आपको? पत्नी ने। क्यों? क्यों अब यही पता होता तो हम आपकी गोली था लड़ाई थी आपकी? लड़ाई पहले चलती थी, अभी तो नहीं चलती थी। अच्छा, कब हुई थी शादी आपकी? सन 2019 में। 2019 में इसके बाद आपका अच्छा चलता रहा? हाँ, पहले तो अच्छा चलता रहा, मतलब 2-3 महीना। अच्छा, बच्चे हैं क्या? हाँ, बच्चे भी नहीं। नहीं, किसी धारदार हथियार से उसका जो डिस्टल पार्ट है लिंग का, वो काट दिया गया है उसका, जिससे उसके अंदर का यूरेथ्रा जिसमें वो पेशाब जाती है वो भी कट गया था। ये ग्रीवियस हर्ट है तो इसमें कोई सीरियस केस बनेगा उसके अगेंस्ट जिसने भी काटा है। टीकमगढ़ से सुधीर मवई, सागर टीवी न्यूज़।